Today's topic is John Milton's poem On His Blindness. John Milton's time period 1608 से 1674 तक था. वो एक English poet, pamphleteer, historian थे और Shakespeare के बाद दूसरे महत्वपूर्ण कवि थे. और उनका जो best known work है वो Paradise Lost है, जो कि greatest epic poem है in English literature. 1652 में इन्होंने अपनी आईसाइट बिल्कुल ही खो दी थी. 1660 में इनको एक बार अरेस्ट भी किया गया था एज ही वॉज डिफेंडर ऑफ द कॉमनवेल्थ. ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है. इस पोयम में मिल्टन कहता है कि उसने अपनी आईसाइट लॉस्ट कर दी है जबकि वो सिर्फ 44 ईयर्स ओल्ड के हैं. पूरा वर्ल्ड उनके लिए बिल्कुल डार्क हो गया है. मिल्टन कहते हैं कि भगवान ने उन्हें एक गिफ्ट दिया था, एक टैलेंट दिया था कि वो राइटिंग पोइट्री का, बट अब वो अपनी आईसाइट लॉस्ट कर चुके हैं तो अब उनकी आधी लाइफ भी नहीं बीती है अर्थ पे और उनकी उनका जो पोइट्री का जो टैलेंट है वो उनमें यूजलेस पड़ा रहेगा क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं और वो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. पोइट इसको एज अ शेम, अ क्राइम और डेथ कंसिडर करते हैं अपने इस ब्लाइंडनेस को. मिल्टन कहता है कि वह अपने इस पोइटिक टैलेंट को पूरा यूज़ करना चाहता है. वह चाहता है कि जो उसका स्पिरिट उसके अंदर है पोइट्री लिखने का, वह वेस्ट ना जाए. मिल्टन डर रहे हैं कि भगवान शायद उनसे रूठ वह डर रहे हैं कि शायद भगवान उनसे रूठ जाएं कि वो अपना पोइटिक टैलेंट अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए. उन्हें अपने इस ब्लाइंडनेस पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इसलिए उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं. वह कह रहे हैं कि भगवान ऐसे कैसे अनजस्ट कर सकता है उनके साथ कि उन्हें लेबर करने के लिए, मेहनत करने के लिए टैलेंट दे पर उनसे वो टैलेंट, वो काम करने के लिए उनका उनका काम करने का साधन ही छीन लिया हो. भगवान ने उन्हें लिखने की कला दी है और वह ज्योति जिस द्वारा इस टैलेंट का यूज़ किया जा सकता था वो उनसे छीन ली. फिर भगवान उनसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोइट्री लिखेंगे. वो बहुत ही बेचैन है पोइट, बहुत सारे संदेह उनके मन में चल रहे हैं. उनके मन में बहुत सारी क्वेश्चन पुट होते हैं पर थोड़ी देर बाद उनके मन में एक फिर से शांति आती है. अंदर से एक आवाज़ आती है तब, उन्हें वो पेशेंस कहते हैं. और वह जो आवाज़ आती है, उनकी अंदरूनी आवाज़, वो ईश्वर और मनुष्य के बीच पूरा संबंध उन्हें समझा देती है, बतला देती है कि मनुष्यों के कामों के ना भगवान को तो कोई आवश्यकता नहीं होती, न ही ईश्वर अपने द्वारा दिए गए उपहारों का, टैलेंट्स का ब्यौरा मांगता है, बल्कि जो इंसान भगवान की इच्छा के सामने विनम्रता से झुक जाते हैं वही उसके सच्चे भक्त, सच्चे सेवक होते हैं. जब हम गॉड के सामने सच्चे दिल से झुक जाते हैं यही उनकी सबसे बेस्ट सर्विस होती है. भगवान तो राजाओं के भी राजा के समान होता है और उसके आज्ञा के लिए, पालन करने के लिए बहुत सारे देवदूत हैं, एंजल्स हैं. और ये देवदूत बिना आराम किए धरती और सागर पर घूमते रहते हैं. वे परमात्मा के सभी का पालन करते हैं. इस तरह मिल्टन एक लेसन सीख लेते हैं, लेसन ऑफ पेशेंस, डेवोशन एंड सबमिशन टू गॉड. और उनके अंदर से आवाज़ आती है, द इनर वॉइस टेल्स हिम हु बेस्ट बी योर हिज माइल योग दे सर्व हिम बेस्ट. और वह एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. वे लोग ही उसके सच्चे सेवक होते हैं जो उसकी प्रतीक्षा करते हुए केवल खड़े ही रहते हैं.
परमात्मा अपने टैलेंट के बदले कुछ भी मनुष्य से मांग नहीं करता, बल्कि वह उसकी सर्वोत्तम सेवा यही है कि हम उसकी परमात्मा की सर्वोत्तम इच्छा वही है, सेवा वही है जब हम उसकी इच्छाओं को हैप्पीली मान लें, एक्सेप्ट कर लें। हमें हर सिचुएशन में चीयरफुल रहना चाहिए। और यही विचार जो हैं मिल्टन के मन में शांति भर देते हैं, और वो कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वह अब ब्लाइंड हो गए हैं और इस वजह से अपना काम, अपनी सेवा अच्छे से नहीं कर सकेंगे, पर वह भगवान की इच्छा को मानकर इस तरह भी उनकी सेवा पूरी कर सकते हैं। पूरी पोयम में वह अपने, पहले वह परेशान होते हैं कि उनकी आंखों की ज्योति चली गई है और अब वो उनका जो टैलेंट है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, पर फिर वो जब बहुत सारे क्वेश्चन पुट करते हैं तो उन्हीं के अंदर से आवाज़ आती है कि भगवान अपने दिए हुए टैलेंट का कोई ब्यौरा नहीं मांगता, बल्कि वह तो खुद राजाओं का भी राजा है। और कवि के विचार जब आते हैं ये मन में, तो उसके मन में एक शांति भी भर जाती है और वो लेसन सीख जाता है पेशेंस और डेवोशन का और सबमिशन टू गॉड का, कि भक्ति भावना का, शांति का और परमात्मा के सामने नतमस्तक होने का वह पाठ सीख जाता है। और वह शांतिपूर्वक यह स्वीकार भी कर लेता है कि वह अपने टैलेंट से उसकी शायद सेवा ना कर पाए, पर वह उसकी इच्छा मानकर उसकी सेवा करेगा।